अडानी का निकल गया दिवाला। एक दिन में हुआ खरबों का नुकसान। अडानी के बुरे दिन आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्के दोस्त और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी पिछले काफी वक्त से अपनी कमाई को लेकर चर्चा में बने हुए थे, लेकिन अब उन्हें हुए जबरदस्त घाटे की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। गौतम अडानी की दौलत में 6.1 अरब डॉलर यानी 4,89,99,30,00,000 रुपए का नुकसान हुआ है। जी हाँ, गौतम अडानी ने इतना बड़ा नुकसान उठाया है। दरअसल एक रिपोर्ट की वजह से अडानी की कंपनियों को इतना भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अडानी की कंपनियों में शॉर्ट पोजीशन है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट ने इन कंपनियों के लोन पर भी सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनियां 85% से अधिक ओवर वैल्यूज हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग यूएस ट्रेडेड बॉन्ड और नॉन इंडियन ट्रेडेड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अडानी ग्रुप की कंपनियों को शॉर्ट पोजीशन पर रखेगी। यानी हिंडनबर्ग रिसर्च अडानी ग्रुप के लिस्टेड कंपनियों पर दाव लगाकर लॉन्ग टर्म तक के लिए रखना नहीं चाहती। इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई गड़बड़ियों के आरोप भी लगे हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर के वैल्यूएशन में हेरफेर की गई है। इसके साथ ही ऐसे कई मामले हैं जो जांच का विषय है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख सूचीबद्ध अडानी कंपनियों ने भारी भरकम लोन लिया है, लेकिन शेयरों को गिरवी रखकर ग्रुप की ग्रोस फाइनेंशियल कंडीशन को जोखिम में डाल दिया। इस रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करने के लिए अडानी ग्रुप के एक्स सीनियर कर्मचारियों समेत कई लोगों के इंटरव्यू लिए गए थे और हजारों दस्तावेजों की जांच भी की गई थी। यानी हिंडनबर्ग ने मोदी जी के दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि बैंकों से लोन ले लेकर गौतम अडानी ने अपनी कंपनियों को ही जोखिम में डाल दिया, इसलिए कंपनियां शॉर्ट पोजीशन पर हैं। मोदी जी के दोस्त गौतम अडानी के बारे में ये रिपोर्ट जैसे ही सामने आई, अडानी के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी के शेयर्स में 10% तक की गिरावट आई है। गौतम अडानी की दौलत में 6.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। सिर्फ शेयर धारकों को ही 46,000 करोड़ का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। यानी जिन लोगों ने गौतम अडानी की कंपनियों में पैसे लगाए थे, उन्हें भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। अब मोदी जी अपने दोस्त का नुकसान भला कैसे देख सकते हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं कि जितना नुकसान हुआ है उतना शायद फिर से अडानी को जल्द ही कोई बैंक कर्ज दे देगा। वैसे क्या आप जानते हैं कि अडानी ने भारतीय बैंकों से जितना कर्ज लिया है, अगर उस कर्ज को लेकर अडानी भी विजय माल्या और नीरव मोदी की तरह फुर हो जाए तो देश का क्या होगा? अगर अडानी गए तो देश के कई सरकारी बैंक दिवालिया हो जाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी। लेकिन मोदी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीट।